नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे एक ओपन सोर्स फायरवॉल के बारे में जिसका नाम है ओपनसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनसेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है opensense.org। यहाँ पर आने के बाद आपको इस फायरवॉल के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। ये फायरवॉल आपका कम्प्लीटली ओपन सोर्स है जिसके अंदर आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से लेके आपका इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन आईपी सेक आईडी सेक एंड फायरवॉल रूल सारे तरह का ऑप्शन है विद ग्राफिकल इंटरफेस। ओपनसेंस के फीचर के बारे में अपनी वेबसाइट में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर फायरवॉल मल्टी वैन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हार्डवेयर फेलओवर या फिर SD-WAN जो अभी लेटेस्ट आया है उस टेक्निक के ऊपर भी ये काम कर रहा है। और इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो कि है IPsec IDsec का फैसिलिटी वगैरह मिलता है। IPsec IDsec के ज़रिए क्या है, आप अपने नेटवर्क के अंदर जो भी वायरस या थ्रेट्स है उसकी जो है अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाएंगे इसके ज़रिए। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन राउटिंग्स वगैरह वेब फिल्टरिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। वेब फिल्टरिंग में आप वेब प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र या मल्टीपल रूल्स के ज़रिए। तो ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल टूल है जिसको आज हम लोग डाउनलोड करेंगे। एक वर्चुअल मशीन बना के मैं आपको एक इसका डेमो दिखाने वाला हूँ। रिकमेंडेड है कि आप कोई पुराने PCs में या फिर आपके कोई कंप्यूटर में जिसे आप इंस्टॉल करें उस कंप्यूटर को एज ए फायरवॉल आप यूज़ करें जिसके ज़रिए क्या होगा कि आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आपके पुराने PC में भी ये सपोर्ट कर जाएगा मिनिमम 2 कोर प्रोसेसिंग और 2 से 3 GB रैम NFI इसके लिए। इसको आप पुराने कंप्यूटर में क्या है एक सिंगल लैन आपके मदरबोर्ड के साथ आता है। इसके अलावा भी आप PCIe स्लॉट में मल्टीपल लैन पोर्ट लगा के लैन वैन और VPN जोन अलग अलग जोन बना के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्चुअल मशीन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड आपको किस तरह से इसकी ISO फाइल चाहिए, VGA चाहिए, नैनो चाहिए, DVD चाहिए, सीरियल चाहिए, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखा है। आप अगर DVD सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ISO फाइल जनरेट करके देगा और इसके अलग अलग आपकी डाउनलोड लोकेशन है। जो भी लोकेशन में आप रहते हैं बेस्ट लोकेशन आप चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करने से यह डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, एक VM में मैंने रेडी करके रखा है, उसी में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर यूज़र सेक्शन, डेवलपर सेक्शन, पार्टनर्स का भी ऑप्शन है, पार्टनर बेनिफिट पार्टनर्स का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो देख सकते हैं इसके कौन कौन पार्टनर है। इसके अलावा इसके सपोर्ट फोरम में आने के बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इसकी आपके रूल्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे UI के अंदर, वो सारे डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्स पर दिया गया है। तो अभी हम लोग हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर इसे हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विदाउट एनी क्लिक ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो चुका है आपका। यहाँ पर मेरा 2 एडाप्टर है, वर्चुअल एडाप्टर है, एक ऑटोमेटिकली आपका लैन में कन्वर्ट हो गया, एक वैन में कन्वर्ट हो गया। लैन की जो IP है बाई डिफॉल्ट 192.168.1.1 है और वैन की IP ऑटोमेटिकली DHCP से आ रहा है जो मेरे नेटवर्क के IP है। अभी हम लोग लैन से इसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए आपको 192.168.1.1 नेटवर्क के अंदर रहना पड़ेगा। आप अपने लैन एडाप्टर के अंदर अलग से एक सेकेंडरी IP डाल के भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली SSL में लेके जा रहा है। ये आपका लॉगिन स्क्रीन आ गया। अब इसके अंदर हम लोग लॉगिन करेंगे एज ए रूट। इसकी डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो है OpenSense OpenSense। अब हमारे पास इनिशियल सेटअप करने का ऑप्शन आ चुका है, इनिशियल विजर्ड, जिसके अंदर आप होस्ट नेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डोमेन नेम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी DNS सर्वर सेकेंडरी DNS सर्वर आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्राइमरी DNS सर्वर अभी गूगल की DNS सर्वर ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा DNS रिजॉल्वर, आप DNS सेक सपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, हार्डन DNS डेटा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आ रहा है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विजर्ड में आपको आ रहा है वैन का IP आप कैसे देंगे। वैन आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप PPPoE कनेक्शन ले रहे हैं कि स्टैटिक ले रहे हैं
कि कोई PPTP से VPN से आप कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी DHCP से ही करना चाहते हैं। ये रिकमेंडेड है कि इसे आप स्टैटिक रखें या अगर आपकी प्रोवाइडर TPPIO कनेक्शन दे रहा है तो TPPIO का सेटअप आप नीचे देख पाएंगे। TPPIO यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्विस नेम, ये सारे आपको देना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल के लिए DHCP में इसे मूव कर रहा हूँ। आप MTO साइज़ वगैरह भी, मास साइज़ वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। MAC एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा TPPIO कनेक्शन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग मिलता है यहाँ पर, और नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर LAN की डिफ़ॉल्ट IP है 192.168.1.1, इसे हम लोग डिफ़ॉल्ट अभी रखेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से मल्टीपल LAN यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। रूट पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रूट पासवर्ड टाइप करेंगे, अदरवाइज आप अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज को एक बार रीलोड करेगा और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आपकी सेटिंग को सेव करेगा। ये आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये आपका जो है सक्सेसफुली जो है ये इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है। इसका कारण है कि यू आर रनिंग करेंटली लाइव CD मोड। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इट्स अ लाइव CD। अगर हम लोगों को इंस्टॉल करना है तो हमारे कंसोल में आना है और एक यूज़र से हमें लॉगिन करना है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलर। उसकी पासवर्ड है OpenSense, OpenSense। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इंस्टॉलेशन विजेट खुल जाएगा। इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे आपको कौन सा पार्टीशन चूज़ करना है, लाइक इंस्टॉल UFS, ZFS, अदर मोड, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग अगर आपके पास ऑलरेडी OpenSense कोई फायरवॉल चल रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ आप लोड कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड एडमिन पासवर्ड भूल गए, या रिबूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन है, एक GPT फॉर्म में जो कि है UFS फाइल सिस्टम, एक ZFS फाइल सिस्टम। तो मैं ZFS फाइल सिस्टम के साथ जाऊँगा क्योंकि इसमें आप बहुत एम्पल नंबर ऑफ सेक्शन में इस अपने फाइल सिस्टम को, अपने फाइल लेवल को बढ़ा सकते हैं। अपनी जो रैम की सपोर्ट है, जो फाइल सिस्टम की या डिस्क की सपोर्ट है, इसमें हायर रेंज पर है। यहाँ पर आप आ रहे हैं कि आप अपने डिस्क को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप जिस डिस्क में इसे इंस्टॉल करेंगे वो एज ए स्ट्रिप मोड करेंगे। स्ट्रिप मोड में कोई रिडंडेंसी नहीं है, यानी अगर उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो गया या डिस्क ख़राब हो गया तो आपकी पूरी फायरवॉल बैठ जाएगा। इसके ज़रिए आप इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आप मिरर मोड चूज़ कर सकते हैं या फिर रेड का 10, रेड Z1, Z2, Z3, इस तरह से ट्रिपल डबल हार्ड डिस्क लगा के आप इसकी रिडंडेंसी और बढ़ा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल एक ही हार्ड डिस्क है तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस में यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर भी मैं इसे स्ट्रिप मोड में रख रहा हूँ। ओके करूँगा, मेरा वर्चुअल हार्ड डिस्क आ रहा है, इसे स्पेस बटन दबा के इसे टिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आ रहा है कि आप इस डेटा डिस्क को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एक बार इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके लिए DA0 डिस्क नंबर आ रहा है, इसको हम लोग यस करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो आपका करंट कॉन्फ़िगरेशन है जो लाइव CD पे, उसके क्लोनिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रन हो रहा है और ये सक्सेसफुली अपने डिस्क पे आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर रूट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं अभी रिबूट करूँगा सिस्टम को। अभी फायरवॉल सक्सेसफुली अप हो चुका है। अभी हम लोग हमारे ब्राउजर पर आएंगे, अगेन चेक करेंगे। आप सक्सेसफुली देख पा रहे हैं कि मेरे डैशबोर्ड से ऑटोमेटिकली ये जो लाइव CD का ऑप्शन था वो हट चुका है। यहाँ पर मेरे CPU से ये बेसिक डैशबोर्ड है। बाएं तरफ जो मेनू है, इस मेनू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉबी के अंदर आएगा डैशबोर्ड, लाइसेंस, पासवर्ड, लॉगआउट का ऑप्शन। इसके अलावा रिपोर्टिंग में आप बहुत सारे रिपोर्टिंग आप देख पाएंगे। सिस्टम के अंदर एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर, गेटवे, राउटिंग, सेटिंग, ये सारे ऑप्शन मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर LAN WAN की इंटरफेस, इसके अलावा इसकी ओवरव्यू, वर्चुअल IPs वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। फायरवॉल के अंदर नेट रूल, आपका फायरवॉल रूल्स, alias वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। VPN के अंदर IPsec VPN आपका और OpenVPN, दो तरह के VPN आप कर सकते हैं। IPsec के ज़रिए आप साइट टू साइट कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। सर्विसेज में आपका कैप्टी पोर्टल, DHCP सर्वर,
इंट्रूजन डिटेक्शन IDSec IPSec का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको ओपन DNS का भी ऑप्शन मिलता है, वेब प्रॉक्सी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर के अंदर रिबूट वगैरह आप कर पाएंगे, हेल्प के अंदर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। ये मेन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आप मल्टीपल विजेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड विजेट में जाएंगे और अगर मैं यहाँ पर ट्रैफिक ग्राफ को ऐड करता हूँ, सेव सेटिंग करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ट्रैफिक ग्राफ भी आ चुका है। अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं ऊपर की तरफ भी लेके आ सकता हूँ, जिसे मुझे जहाँ पर चाहिए ये वहाँ पर मुझे मिलेगा। जैसे मैं ये ऊपर में आ गया मेरा ये, और सेटिंग को सेव कर दिया तो जो ट्रैफिक की ग्राफ है वो मेरा सबसे ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा इसके फायरवॉल में बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक फायरवॉल की रूल्स वगैरह कैसे आप क्रिएट करेंगे, फ्लोटिंग रूल है, लैन रूल है, वैन रूल है, इस तरह से मल्टीपल रूल्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। वैन की रूल, लैन की रूल अलग से है, आपका फ्लोटिंग रूल अलग से है, रूल सेक्शन में आपको मिलेगा। सेपर के अंदर आप जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो भी रूल्स का आप सेप देना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई भी एक रूल्स के अंदर लगाना चाहते हैं कि मेरा बैंडविड्थ उसमें ऑलवेज लो जाए, मतलब उसको रेगुलर बैंडविड्थ ना मिले, थोड़ा कम बैंडविड्थ मिले, उस तरह का सेपिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फायरवॉल की जितना भी सेटिंग है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा, जिसके अंदर आपको फायरवॉल को बेसिक सेटिंग्स वगैरह रहेगा। ये फिलहाल एक इंस्टॉलेशन वीडियो था जिसके अंदर हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखें ये क्या फीचर्स है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके होम पर्पस में या ऑफिस में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स होने के साथ साथ ये बहुत पावरफुल है। आप अगर महंगे महंगे फायरवॉल से परेशान हैं, फायरवॉल का रिन्यू एंड कॉस्ट देके परेशान हैं, आप ओपन सोर्स में आपने कोई भी पुराने मशीन्स को या कोई भी VMs को आप एज ए फायरवॉल ट्रीट करके आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके लिखिए क्या चीज़ छूट गया, जो चीज़ आगे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।